नाश्ते में पोहा बनाया है मटर वगैरह डाल के, और सब्जी में पत्ता गोभी बनाया है। पत्ता गोभी, आलू और मटर डाल के सब्जी बनाया है। टिफिन के लिए दाल बन रही है और चावल चढ़ाया है, दाल उबलने के लिए रखा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो अभी खाना वाना बना लेते हैं, शाम को मार्केट चलेंगे फ्रेंड्स। अभी जो हमारा शंकरष्ठी आएगा 9 तारीख को संडे को, तो उसका मैं उद्यापन करूँगी। हमारे मारवाड़ी में इसका उद्यापन भी करना रहता है, तो मैं उसकी सब तैयारी करूँगी। तो वो भी मार्केट में कुछ खरीदारी करेंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तभी खाना वाना बना लेते हैं दोपहर का, फिर खाना वाना खा के फिर चलता है मार्केट। तो फिर बताती हूँ क्या क्या लाना है, उसको पैकिंग भी करेंगे, सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए पहले खाना बना। चावल भी बन गए, मेथी की सब्जी, ये दाल। फिर शाम के लिए मैंने इडली का ये सब भिगाया है, इसमें इडली बनाएंगे। इडली सांभर बनाने के लिए भिगा दिया है, तो अभी इसको पीस लेंगे शाम को। दही का छाछ बना लेंगे, लंच करके फिर चलते हैं मार्केट खरीदारी करने। चलिए चलिए फ्रेंड्स मार्केट चलते हैं। आशीष भी साथ में है, तो उसके भी कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो चलिए चलते हैं। ये वाला नहीं है, समर के लिए मस्त एकदम। ये तो हो ही जाएगा ना सेम। हाँ ये ट्राई कर, ये मस्त है, ये ब्राउन भी मस्त है। हाँ ये भी मस्त है। पापा जी की शर्ट लिया है पूजा में देने के लिए, एक पापा जी के लिए लिया है, प्लेन वाइट शर्ट ही पहनते हैं पापा जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे है ये, जो मैंने इडली का आपको बताया था ना भिगाया हुआ है, वो हो गया फर्मेंट अच्छी तरह से। सुबह का तो सब हो गया, ये राइस मैंने बनाया था रात को, तो उसको मैंने बघार कर दिया अभी, और भिंडी बनाया था।
तो चलिए, आई होप आप सब खुश हैं, हैप्पी हैं, आप लोग हमेशा खुश रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो अभी फ्रेंड्स, जो मैंने कल सामान लाया ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं कल ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, तो चलिए मैं बता देती हूँ। बस अभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने पहले, वीडियो निकालते थे।